नमस्कार, यूटी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रीना भारद्वाज। कोरोना वायरस के चलते यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अपने स्टूडेंट्स को वीडियो ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, जिसमें कि आज हमारे साथ मिस प्रोफेसर पूजा शर्मा हमारे साथ हैं, जो कि बीएससी बीएड पार्ट वन का लेक्चर देने वाले हैं। नमस्ते, माय नेम इज पूजा शर्मा। मैं फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हमारा सेकेंड पेपर है हमारा बीएससी का, तो उसका टॉपिक है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। इससे पहले हम वेक्टर फील्ड के बारे में जान चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में, आज हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, लेट्स स्टार्ट। तो हमें पहले समझना ये ज़रूरी है कि डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस मीन्स किसी भी क्षेत्र का फैलाव, चाहे हम कोई भी फ्लूड ले रहे हैं या हमारे पास कोई चार्ज रखा है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, उसका कोई भी हम क्लोज सरफेस वहाँ से लेते हैं और उधर से उसका फैलाव कितना होता है, उसका डाइवर्जेंस कितना है, यही हमें फाइंड करना होता है। तो एक वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस क्या होगा, वही हम आज इसमें फाइंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड का जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है कि जो भी वेक्टर फील्ड में हमारे पास कोई भी वॉल्यूम एलिमेंट प्रेजेंट है, सिचुएटेड है, और उस सरफेस से पर यूनिट वॉल्यूम से निकलने वाला या इमर्ज आउट होने वाला हमारा जो फ्लक्स होता है, वही हमारा डाइवर्जेंस ऑफ फ्लक्स कहलाता है। लाइक दिस, द वेक्टर फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इमर्जिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस ऑफ अ वॉल्यूम एलिमेंट सिचुएटेड इन अ वेक्टर फील्ड इज नोन एज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो जो हम फ्लक्स की जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो उसका जैसा कि हम जानते हैं, अगर कि हमारे पास वेक्टर फील्ड कोई ए है, क्या है वेक्टर फील्ड हमारे पास ए है, जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वेक्टर ए एक्स वाई जेड। अगर मैं बात करूँ इसके फ्लक्स की, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, जैसा कि फाई इज इक्वल्स टू इंटी सरफेस इंटीग्रल एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी, ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन होता है फ्लक्स के लिए। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि ये अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर फील्ड में कोई एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है, तो उसके हर सरफेस से हम देखेंगे कितना फ्लक्स इसके अंदर इमर्ज इन हो रहा है, उतना इसके इमर्ज आउट हो रहा है। तो हम इधर से हर सरफेस के बारे में निकालेंगे फ्लक्स को, और इस फॉर्मूले के गिवन फॉर्मूले से हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए, इसे हमारे पास जो डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डाइवर्जेंस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन डी वी लिमिट डी वी टेंस टू ज़ीरो। क्यों लिमिट हम डी वी टेंस टू ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास बहुत स्मॉल एलिमेंट होता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो हम लेते हैं बहुत स्मॉल होता है, ज़ीरो की तरफ टेंस्ड होता है बट लेकिन ज़ीरो नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, सॉरी, वन अपॉन डी वी वैक्टर ए डॉट वैक्टर डी ए लिमिट डी वी टेंस टू, ये हमारे पास डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता है। विद हेल्प ऑफ दिस हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम जो डाइवर्जेंस निकालेंगे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम इसको फाइंड करेंगे। तो मैंने वही लिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जैसा कि हम जानते हैं एक्स वाई जेड हमारे पास होते हैं, इसी के अंदर मेरे पास एक वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पे रखा हुआ है जिसके सरफेसेस हमारे पास यहाँ गिवन है। एक मैं रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड ले रही हूँ, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास डी एक्स है, हाइट कितनी है डी वाई है, और विड्थ कितनी है डी जेड है।